जिनियांग नदी में मछलियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है। तो क्या फैसला किया? सारे के सारे शेयर्स बेच डालो। सारे के सारे? हाँ सर, इसका मार्केट पे बहुत बुरा असर हो सकता है। आप छोटे ट्रेडर्स के बारे में भी तो सोचो, हमारे इस फैसले से उन्हें बहुत नुकसान। देखो किम, सर ये मत भूलो कि तुम काम किसके लिए करते हो। उतना करो जितना कहा जाए। जी सर। अच्छा एक मिनट रुको, ये छोटे बच्चों को आजकल क्या पसंद आता है, कोई आइडिया है? सुनो, मुझे नोटिस भेज के तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। वक्त बर्बाद हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, सुजन को तो मैं ही पालूंगा। हाँ, तुम्हें बच्चा पालना आता भी है क्या? कितना टाइम स्पेंड करते हो तुम उसके साथ? कल वो अपने आप ही मेरे पास आने वाली थी, तुम्हें कुछ पता भी है? तुम मुझे सिखाने की कैसे बाप हो? मैं जानता हूँ उसे क्या चाहिए। उसे उसकी माँ चाहिए। कल उसे मेरे पास ले आना। कल नहीं ला सकता। उसका कल बर्थडे है, तुम्हें याद तो है ना? अच्छी तरह। खाना खाया बेटा? हाँ थोड़ा सा खाया था। सुजन कहाँ पर? खेल रही होगी अपने रूम में। नहीं मैं खुद ही ट्रेन पकड़ कर आ जाऊंगी, पर आप चाहो तो मुझे स्टेशन से पिकअप कर सकते हो। मेरे आते ही बात बंद क्यों कर दी? बस ऐसे ही। तो तुम अपनी मम्मी से मिलने बुसान जाना चाहती हो? बेटा ऐसा है कि इस हफ्ते मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, पर अगले हफ्ते मैं पक्का छुट्टी ले सकता हूँ, तो तब ले जाऊँगा तुम्हें बुसान। अरे ये लो, तुम्हें लगा मैं भूल जाऊंगा ना? हैप्पी बर्थडे बेटा। सोच कर रही हो, खोलो। क्या हुआ बेटा, तुम्हें पसंद नहीं आया? लास्ट क्रिसमस पर दिया था। अच्छा कुछ और है ऐसा जिसे तुम्हें करने में खुशी मिले? बुसान, मुझे मम्मी से मिलने जाना है कल ही। हाँ बेटा, पर मैंने कहा ना जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा हम लोग वहाँ जरूर जाएंगे। मुझे कल जाना है। हमेशा कहते हो कि हम जरूर जाएंगे पर जाते कभी नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है मैं अकेले ही चल